नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल में टू टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। लोकसभा में पाक पर गरजे राजनाथ, देश में आतंकवाद के लिए ठहराया जिम्मेवार, कहा कश्मीर के कुछ नौजवानों को हो रही है बरगलाने की कोशिश, युवाओं की देशभक्ति पर संदेह का सवाल नहीं। गुजरात दलित पिटाई केस में राजनीति जारी, पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी, घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, कई युवकों ने की आत्महत्या की कोशिश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में लहराया पाकिस्तान का झंडा, पुलिस ने झंडे को लिया कब्जे में, पूरे इलाके में तनाव। यूपी चुनाव में बदले दौर में स्वर्ण कार्ड खेलने की तैयारी में कांग्रेस, 10% आरक्षण का लगा सकती है दांव, राहुल और प्रियंका ने दी सैद्धांतिक सहमति। प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने 1000 पेज की दायर की चार्जशीट, बॉयफ्रेंड राहुल पर लगे 3 संगीन आरोप, 30 जुलाई को व्यक्तिगत रूप में पेश होने को कहा। और अब नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में कश्मीर के हालात पर जवाब देते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कश्मीर में हालात बिगड़ने के लिए हमारे पड़ोसी देश का हाथ है, भारत में होने वाले आतंकवादी घटनाओं के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में हुई हिंसा से वो दुखी है, पीएम नरेंद्र मोदी भी आहत है। उन्होंने कहा विदेश दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहली बैठक कश्मीर के हालात पर की थी, वहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी ली थी। उन्होंने कहा कि कश्मीर के कुछ नौजवानों को कुछ लोगों ने बरगलाने की कोशिश की है, वहाँ के युवाओं की देशभक्ति पर कोई संदेह करने की बात नहीं है, कश्मीर भारत का मुकुट है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण और राजपूत के साथ मुस्लिम समीकरण का दाव लगा रही कांग्रेस और अब एक कदम और आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अपने समीकरण के लिहाज से चेहरे चुनने के बाद पार्टी हर धर्म के पिछड़े सवर्णों को 10% के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखने का मन बना रही है। खास बात यह है कि हर धर्म के जरिए गरीब मुस्लिमों को इसमें शामिल किया जाएगा। साफ है कि कांग्रेस अपने समीकरण को हर कीमत पर मजबूत करना चाहती है। यूपी कांग्रेस की नई टीम ने इस सिलसिले में राहुल और प्रियंका के सामने ये प्रस्ताव दिया, जिस पर दोनों ने सैद्धांतिक सहमति दी है। भविष्य में इसको पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। पार्टी को लगता है कि इसके जरिए वो हिंदू और मुस्लिम वर्ग के सवर्ण नौजवानों को अपने पाले में खींच सकती है। गुजरात के ऊना में दलित समुदाय के युवकों की बेरहमी से पिटाई की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहा। समूचे राज्य में कई जगहों से हिंसा और आगजनी की खबरों के बीच 7 और युवकों ने कल आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे राज्य में स्थिति और बिगड़ गई। शांति की कोशिशों के बीच राजनीति भी जोरों पर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पिटाई के शिकार दलितों से मुलाकात की है। ऊना के सामडियाल गांव में दलित युवकों की पिटाई के 11 जुलाई के वीडियो को लेकर गुजरात में हंगामा बढ़ता जा रहा है। राजकोट, पोरबंदर, बोतड और गिर सोमनाथ जिलों में आत्महत्या की कोशिश की घटनाएं सामने आई है। राजकोट जिले के धोराजी शहर में आज 3 दलित युवकों ने किसी जहरीले पेय पदार्थ का सेवन किया, जिसके बाद उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक घर की छत पर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक घर की छत पर बुधवार की देर रात से पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए देखा गया। इसके बाद आज सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर की छत से पाकिस्तानी झंडे को हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला बिहार शरीफ शहर के वार्ड नंबर 36 के जामा मस्जिद के पास खरादी मोहल्ले का है, जहां एक घर की छत पर खुलेआम पाकिस्तानी झंडा लहराए जाने के बाद से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना आज सुबह पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पाकिस्तानी झंडे को घर की छत से हटा दिया है। फिलहाल पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। पुलिस ने इसमें प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने, उत्पीड़न और धमकी का दोषी ठहराया है।
पुलिस ने 1000 पेज की चार्जशीट फाइल की है। कोर्ट में जब मुंबई पुलिस चार्जशीट फाइल कर रही थी उस समय राहुल भी कोर्ट में मौजूद था। राहुल अभी जमानत पर बाहर है, पर कोर्ट ने उसे 30 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड मामले में राहुल राज के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 306 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस राहुल राज से कई बार इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले प्रत्युषा के दोस्तों ने दावा किया था कि उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। वो सार्वजनिक जगहों और पार्टियों में उन पर हाथ भी उठाया करता था। अब देखते हैं खबरें जल्दी जल्दी। बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नेता दयाशंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। लखनऊ पुलिस केसरबाग स्थित उनका आधिकारिक आवास पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिले। उधर दयाशंकर सिंह की तलाश में बलिया पुलिस भी जुटी हुई है। गुरुवार सुबह पुलिस बलिया स्थित उनके आवास में पहुंची, लेकिन वो वहां भी नहीं मिले। दयाशंकर के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दयाशंकर के बयान पर आपत्ति जताते हुए बीएसपी कार्यकर्ता बीजेपी नेता के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज में गुरुवार सुबह भारी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और दयाशंकर के खिलाफ नारे लगाकर विरोध जताया। बीएसपी और टीएमसी ने राज्यसभा में मायावती के खिलाफ यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर के बयान को लेकर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस मुद्दे पर बुधवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ था। गुरुवार को बीएसपी समेत कई विपक्षी दल यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के बयान पर सरकार को घेर सकती है। अब बीजेपी कैसे विपक्ष का सामना करती है, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल बुधवार को राज्यसभा में समूचे विपक्ष ने बीजेपी नेता दयाशंकर को गिरफ्तार करने के साथ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की थी, जिसे बीजेपी दलितों के मुद्दे पर अपने नेता के बयान के बाद बैकफुट पर आ गई थी। दिल्ली में एक बार फिर बिजली का मुद्दा गहराने लगा है। राजधानी के लगभग 2/3 हिस्से में बिजली वितरण का जिम्मा संभालने वाली प्राइवेट कंपनी BSES के कर्मचारियों का एक बड़ा खेमा हड़ताल पर चला गया है। ऐसे में कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने से उमस और गर्मी में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों में ज्यादातर हड़ताल पर वो रहे जिनके जिम्मे रख रखाव की जिम्मेदारी होती है, इसलिए जहाँ एक बार बिजली चली गई वहाँ दोबारा जुड़ी ही नहीं। कर्मचारियों की मांग अपनी नौकरी को पक्की करने की है, क्योंकि अब तक BSES ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों से ही काम चलाता है। इसके अलावा वेतन बढ़ाना और फील्ड में काम कर रहे लोगों को आने जाने के लिए पेट्रोल देने जैसी मांग भी शामिल है। दुबई में अमृतसर आई स्पाइस जेट के फ्लाइट में गुरुवार को संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी फैल गई। फ्लाइट में संदिग्ध बैग मिलने की सूचना पर अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट को शहर के भारी इलाके में ले जाया गया, जहां संदिग्ध बैग की जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अब तक स्पाइस जेट की ओर से संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। मामले की जांच जारी है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।